उबार दो, अपनी खुशी के लिए मेरे गम को उबार लो। पांडे सर का गम क्या होता, जब आपको वो आईआईटीएन नहीं बना पाते, आप आते हैं इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, जो बच्चा आईआईटीएन नहीं बन पाता तो उनकी बहुत तकलीफ होती है। तो वो उनकी बात उन्हीं की मैं कह रहा हूँ कि अपनी खुशी के लिए, क्योंकि आप आईआईटीएन बन जाएंगे तो फ़ायदा तो आप ही का है, अपनी खुशी के लिए मेरे गम को उबार लो, इतना हंसो कि आंखों से आंसू निकल पड़े, इतना हंसो कि आंखों से आंसू निकल पड़े। इसी श्रृंखला में मैं अगले नंबर पर अगली कड़ी के रूप में आनंद सरोज जी को बुला रहा हूं। आनंद सरोज, प्यारा सा बच्चा आनंद सरोज, आजकल बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे। ये देखे, पांडे सर माल्यार्पण करेंगे, मिठाई खिलाएंगे, तालियां बजती रहेंगी, तभी ताली बजेगी, आप बजाएंगे तो तालियां बजाने के लिए थकते हैं आप, बताइए, आप यंग लोग हैं आप लोग। जब मिठाई खा रहे हैं पानी नहीं पी रहे हैं तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ जाते थे, कोई लड्डू खिला देता था, दो लड्डू, तो हम लोग पानी नहीं पीते थे कि देर तक मुंह में पड़ा रहेगा, थोड़ा मीठा रहेगा तो बचपन के दिन याद आते हैं। और आनंद कहाँ के रहने वाले आप? सर फूलपुर। फूलपुर प्रयागराज। और आपके पापा क्या करते हैं? सर पापा नहीं है हमारे। पापा नहीं है, ये देखिए, अब मैं तो पूछ ही लिया, कोई बात नहीं बेटा जी। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी गांव में रहती हैं। मम्मी गांव में रहती हैं, पापा नहीं हैं, और बच्चा आईआईटी मेंस में बहुत अच्छा परसेंटाइल लाया और ये एडवांस में सेलेक्ट हो गए। मैं आज कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये एडवांस भी निकालेंगे। और आनंद, नाम ही इनका आनंद है। और आनंद, पांडे क्लासेस ने आपके तैयारी में, आपका जो चयन हुआ उसमें कितनी मदद की? टीचर जो हमारे यहाँ हैं एसी पांडे सर, फिजिक्स के आरके सर, केमिस्ट्री के मैथ के एके सिंह सर और आलोक तिवारी सर, कितनी मदद की है? और जो हमारी टेस्ट सीरीज है, और टेस्ट सीरीज ने आपको कैसे मदद की? जो टेस्ट तो बहुत करवाते रहते हैं हमारे संस्था के डायरेक्टर ब्रिजेश पांडे सर, वो तो टेस्ट ही टेस्ट करवाते रहते हैं, तो कैसे आपको फ़ायदा हुआ आप बताइए, और आने वाले बच्चों को भी क्या राय देंगे आप ये बताइए। मैं यही कहना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, और टेस्ट सीरीज से मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं टेस्ट सीरीज हमेशा देता था और उससे मुझे मेरे स्ट्रेंथ की पता चली है, और मैं हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, और यही हमारे सर भी कहते हैं कि PYQ लगाया करें और टेस्ट सीरीज हमेशा देते रहें, इससे आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता चलेगा और आप आगे इम्प्रूव करते रहेंगे। और टीचर ने कैसे मदद की आपकी? टीचर ने हमें बहुत गाइडेंस किया है, हमारे सारे डाउट्स क्लियर करते रहते हैं, हमेशा हमें आगे इम्प्रूव करने के लिए बताते रहते हैं हमेशा। अभी आप आ रहे थे तो ब्रिजेश जी पीठ थपथपा रहे थे आपके, कुछ कहेंगे? क्योंकि आजकल बड़ी मदद करते रहते हैं बच्चों की वो, आजकल क्या हमेशा ऑलवेज है ना? हाँ, वो हमेशा सर सपोर्टिव होते हैं हमें, हमेशा आगे बढ़ने के लिए बहुत मोटिवेट करते रहते हैं हमेशा। बिल्कुल, तो मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा पांडे सर से, चाहूँगा कि उनका प्रिय शिष्य हैं, विद्यार्थी हैं, तो दो शब्द पांडे सर कहें। इन्होंने बहुत मेहनत किया है और बड़ी ख़राब कहा जाए कि परिस्थिति, और ये अजीब तरह का संघर्ष, और इन सब में संघर्ष का विजय होता ही है, हुआ, और ये NIT तो इन्हें मिल ही गया है, लेकिन ऐसा मैं भी चाहूँगा कि ऐसा कुछ करें कि जैसे लोग, पूरे देश के लोग इसे इंस्पायर्ड हों कि हम कुछ कर सकते हैं उसी तरह से जैसे हमारे पहले के राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम। तो संघर्ष से कभी हार नहीं मानना चाहिए, और जो हार नहीं मानता है वो कभी रुकता नहीं, और उसे नंबर 1 पे जाना ही जाना है। तो ये जाएंगे, ये नंबर 1 पे ही रहेंगे, IIT निकालेंगे, इसके बाद IIT में जाने के बाद कुछ नया करेंगे, और इनके नाम से वो चीज़ें पेटेंट होनी चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि देश में आपका नाम किसी चीज़ में पेटेंट करा के और आपके नाम से उसे जाना जाए, ये आपको करना है। ये मैं आपको एक जिम्मेदारी भी सौंप रहा हूँ, आप उसे करेंगे। और बहुत से बच्चे आते हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे बच्चों को, एज ए टीचर मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी समय, मैं भी एक गार्जियन जैसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं
इनका गार्जियनशिप भी मैंने निभा रहा है, तो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। अब कोचिंग तो बहुत सारी है, वो कोचिंग नहीं है, वो सब बिजनेस पॉइंट हो गए हैं, वहाँ पे कॉरपोरेट कल्चर चलता है, बच्चों को फीस इकट्ठा की जाती है, बिजनेस बना लिए हैं। अरे देश के लिए कुछ करो, देश के लिए, अपने लिए किए तो क्या किए, देश के लिए कुछ करो, और देश के लिए कुछ करना है तो सारे बच्चों को पढ़ाओ, सारे बच्चों को पढ़ाओ। हम तो यही कहते हैं कि ये हमारा ये प्लेस जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, ये सबके लिए ओपन फॉर ऑल। कोई भी बच्चा होगा, कोई बच्चा पूरे देश का पढ़ना चाहता है, आए मैं पढ़ाऊँगा, वो उसके साथ क्या समस्या है मैं करूँगा। मैं तो यहाँ तक करता हूँ कि अगर बच्चा को प्रॉब्लम है तो मैं उसको पढ़ाता हूँ, कोचिंग स्कॉलरशिप देती है, रेजिडेंस देती है, रहे पढ़े और ये काम करे कि देश को आगे बढ़ाए। और उसमें अगर मैं अपना रोल ये प्ले कर सकता हूँ कि आप आओ पढ़ो, आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे से लो फीस, मेरे से लो किताब, मेरे से लो सारी सुविधाएं, मैं दूंगा, पर देश को एक रैंक चाहिए, और वो देश को रैंक दे दो और देश का नाम दे दो और देश को आगे बढ़ा दो। इससे बड़ा मेरे जीवन का कोई सपना हो ही नहीं सकता, और मैं इसी को चाहता हूँ, इसी अरमानों के साथ पढ़ाता हूँ कि सारे बच्चे इस तरह से देश को आगे बढ़ाने में अपना एक एक तार जैसा मजबूती दें और सब आगे बढ़ता जाए। तो मैं बच्चों पूरे देश के बच्चों को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, आप कॉरपोरेट आप बिजनेस वाले पॉइंट पे ना जाएं, इतनी फीस नहीं होती है, 2.5 लाख 3 लाख रुपए किसी चीज़ की नहीं होती है। मैं आज गार्जियन के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कोचिंग खोला था, इसलिए खोला था कि सारे गरीब पढ़ सकें, सारे बच्चे पढ़ सकें, सारे लोगों के लिए कोचिंग है। और आप आइए, और आपका ये प्लेस है पांडे क्लासेस प्रयागराज, आप यहाँ आइए, आपका मोस्ट वेलकम। और जितने IIT के सपने सजोए आइए, मैं सबको IIT बनाऊंगा, ये मेरा प्रतिज्ञा है, और मैं ये करके दिखाऊंगा। बस आप आइए, ठानिए और लगिए, और वो होता है जो हम चाहते हैं, किसी के अपने मैं जो चाहूँगा वो होता है, मेरे चाहने से ही होता है। मैं जब चाहूँगा कि मैं ये करूँगा तो मैं वो बनूँगा, बनना ही बनना है, बस जिद होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, कुछ पाने की काबिलियत होनी चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, मन को हारवाना नहीं है, मन से जीतना है तो हम बाजी जीत जाते हैं। तो बच्चों सभी लोग आइए, अभी एडवांस की तैयारी करिए, फिर आप IIT में पढ़िए, मैं पढ़ाऊँगा, सबको पढ़ाऊँगा, आप सभी लोग आइए। चलिए मैं एडवांस में फिर मिलूँगा इन्हीं के साथ, और ये कोई ना कोई काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे जिससे देश के लोग जानेंगे कि बच्चा ऐसा होना चाहिए, इतना स्ट्रगलिंग लाइफ, और वो देश के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेगा। और ये इसी उम्मीद के साथ मैं पढ़ा भी रहा हूँ और यही मैं सोच भी रहा हूँ। थैंक यू।